अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की ड्राइंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आज हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। आज हम क्रिएट करेंगे स्नो वाइट। स्नो वाइट असल में एक बार्बी जो कार्टून्स होते हैं उसका करेक्टर है, जिसमें एक जो लड़की है वो एप्पल खाकर मर जाती है। आज इसी कार्टून करेक्टर को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा स्नो वाइट का जो फेस है वो तो रेडी हो चुका है। अब करते हैं उसके हैंड के ऊपर पड़े हुए एप्पल को, जो कि वो खाने की कोशिश करेगी, जिसको खाकर वो जो है मर जाती है। तो उसी एप्पल को हमने साथ में क्रिएट करना है, ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए कि असल में हम किस बार्बी को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी बार्बीज गर्ल्स जो हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम लगती हैं, इसलिए यहाँ पर हमने प्रोमिनेंट करना लाजमी होता है कि हम किस बार्बी को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर स्नो व्हाइट का जितना भी उसकी आउटलाइन है वो तो कम्प्लीट हो चुकी है। अब आते हैं कलर्स की तरफ। कलर्स को देख कर यहाँ पर और ज्यादा प्रोमिनेंट चीज हो जाएगी कि यह असल में स्नो व्हाइट ही है। एप्पल को देख के जो चीज प्रोमिनेंट होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन कलर्स देख के उसकी ड्रेसिंग को देख के और ज्यादा प्रोमिनेंट चीज हो जाएगी। सबसे पहले हमने उसके हेयर बैंड के अंदर और साथ में एप्पल के अंदर रेड कलर का यूज किया है, जिसको जो है वो हमने प्रोमिनेंट करना है। इसके साथ ही उसके हेयर्स को बिल्कुल ब्लैक कर देंगे ब्लैक मार्कर के साथ। आप कोई भी ब्लैक जो लेड पेंसिल है उसके साथ भी इसको ब्लैक में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरतीब के साथ हमने कलर्स को क्रिएट करना है। कोई भी कलर्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए और ना ही आउटलाइन से बाहर जाने चाहिए, ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो खराब ना हो। उसके हेयर्स भी यहाँ पर प्रोमिनेंट हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं। इसके साथ ही हमने उसकी स्किन टोन को, यहाँ पर मैं लाइट ऑरेंज कलर का यूज कर रही हूँ। लाइट ऑरेंज मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो पेंसिल कलर का यूज कर रही हूँ, या वैक्स कलर का यूज कर रही हूँ, या ऑयल पेंसिल कलर का यूज कर रही हूँ। अगर इन कलर्स का हम यूज करते हैं तो सारे के सारे कलर्स जो है वो लाइट में ही हमें नजर आते हैं। इसके साथ ही हम आते हैं उसकी ड्रेसिंग की तरफ, जहां पर जो है वो हमने ब्लू कलर का यूज करना है उसकी टॉप की तरफ। उसकी जो बाजू उसके स्लीव्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा लाइट कलर हम यूज करेंगे। दोनों वैसे स्काई ब्लू ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ है थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसके साथ ही उसकी स्कर्ट जो नीचे से उसकी फ्रॉक है उसके अंदर हम येलो कलर का यूज करेंगे। यही कलर जो है वो स्नो व्हाइट के अंदर यूज होते हैं। आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर जो है वो स्नो व्हाइट का उठाकर देख लें। इन कलर्स के अलावा स्नो व्हाइट कार्टून कैरेक्टर के अंदर आपको कोई और कलर नजर नहीं आएगा, तो इन कलर्स को याद रख लें। अगर कोई भी स्नो व्हाइट का आपको कैरेक्टर करना है तो आप इन कलर्स को उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारा स्नो व्हाइट का कैरेक्टर जो है वो हो चुका है, स्किन टोन भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि उसकी आउटलाइन अंदर वाली ड्राइंग में नहीं, बल्कि उसकी जस्ट आउटलाइन को थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड ज्यादा नहीं करना, हमें फर्क बिल्कुल महसूस ना हो कि हमने बोल्ड किया है। तो यहाँ होती है हमारी ड्राइंग कम्प्लीट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दे मुझे इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।